जी ने अभी तो पता ही हमको हमने करनी थी पैराग्लाइडिंग ऑफ में कौन सी रिस्पॉन्सिबल मेरा नाम अभी ठाकुर है और मेरा हम जाएंगे नीचे नीचे जा रहे थे अब पूरा टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं यहाँ पे हम उतर चुके हैं अब हम आ गए थे लैंडिंग पॉइंट पे इसको तो हवा में उड़ना है मजा आया हमारा एक्चुअली ना प्रोग्राम कैंसिल हो गया एक एक पोड़ते पोड़ते ये कह रहे हैं कि उस साइड भी एक रिवर है आई वांट टू डाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल और कैसे आप सब होप सो अच्छे होंगे गाइस जैसे आपको पता है कि कल हम गए थे टांडी वहां पे हमने बहुत एंजॉय करा और मेरा आज गला खराब हो चुका है तो कल रात को बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी तो गाइस आज हम उठ चुके हैं एंड हमारा प्लान है यहाँ से रेडी होके ब्रेकफास्ट करके मणिकरण साहिब जाने का सुबह सुबह उठ गया था मैं एंड डाटा कॉपी करने के लिए लगा दिया था अपना फाइल सारी कॉपी हो रही है क्योंकि फ़ोन में ना स्टोरेज बहुत ही कम रह गई है तो मैंने कहा बेटर अपना कॉपी कर लूँ तभी आपको दिखा पाऊंगा वरना ऐसे कैसे अपना काम चलेगा गोप्रो में भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है क्योंकि यार यहाँ पे ना फ़ोन भी ज़रूरी है सारे रखना क्योंकि यहाँ पे बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है तो आपके पास गैजेट्स होंगे तभी कुछ होगा अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा एंड व्यू की बात करी जाए तो आज धूप आ गई है और ये हमारे होटल सर हूँ सो गाइस ये था हमारे होटल से व्यू बाहर का एंड ये पूरा कुछ फैला हुआ है सब कुछ फैला हुआ है इधर उधर गैजेट चार्ज होने के लिए लगा दिए तो गाइस अब फटाफट यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ और आपको भी दिखाते हैं हमारी जर्नी यहाँ से हम कसोल जा रहे हैं कसोल यहाँ से अप्रॉक्स 80-85 किलोमीटर है कसोल पहले हम जाएंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारे मत्था टेक के फिर थोड़ी देर कसोल की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का फूड और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या देखते हैं और क्या क्या दिखाते हैं आपको उसके बाद हमारा प्लान फिर मॉल रोड पे आज जाना है आज मॉल रोड पे जरूर दिखाना है आपको क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है कल हम अपना वापसी निकल जाएंगे दिल्ली के लिए तो यही सब रहेगा आज तो आज देखते हैं अब आपको क्या दिखाते हैं कुछ अच्छी चीज तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नीचे जब हम सीधा ब्रेकफास्ट करने जाएंगे सो गाइस टुडे आज क्या क्या है मेन्यू में देखते हैं कुछ ज़्यादा ही आज हमने प्लेट भर लिया और कुछ नहीं ठीक है जब पता लग गया तो नहीं खाना अभी तो पता ही नहीं लगा आपको मैं गोभी नहीं खाता गाइस इन्हें अभी तक पता ही नहीं कि मैं गोभी नहीं खाता कैसा खाना बढ़िया चलो गाइस स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस ने देख लो ये खाना वाना खुद कंप्लीट नहीं करते फिर मुझे कहते हैं खा लो ये देखो खुद ने खाया और मुझे कह रहे खा लो यार ये थोड़ी होता है या तो लो ही मत फूड वेस्ट करना है और उसके बाद से कह रहे नहीं खा लो ये थोड़ी होता है यार मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस उसके बाद देखो हंस भी रहे ऐसे ऐसे बोलो यार ये गलत बात कमेंट करो बोलो इसे कि करना चाहिए देख लो तुम्हारा और क्या मैंने तो अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है देख रहा है किसका सो गाइस फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारे देन उसके बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे कसोल की एंड हाँ क्योंकि हमने करनी थी पैराग्लाइडिंग तो उसको सबसे पहले पैराग्लाइडिंग करवाएंगे देन हम आगे जाएंगे और बीच में अगर रिवर के पास कुछ में अच्छा हाँ अगर कोई कैफे या रेस्टोरेंट टाइप मिल गया तो जरूर उसमें जाएंगे और अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपको गाड़ी में सीधा सो गाइस फाइनली अब हम निकल चुके हैं एंड ये देखो देख लो मैं बोलता हूँ ना आपको देख लो ये क्या होता है ये ऑफ होने के बाद भी ऐसे होता है हर बारी ऑफ में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आप भी मुझे बताओ यार ऑफ में बंदा ऑब्वियसली ऑफ तब लेता है कि एंजॉय करना हो या तो फिर कभी भी मारू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं चलो हम चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए हैं भैया जगह का नाम क्या है जगह का नाम धोबी पहुंच गए हैं यहाँ पे एंड युगम को करनी थी पैराग्लाइडिंग एंड वो जा रहा है पैराग्लाइडिंग करने मैंने तो बहुत बार करी है तो ये जा रहा है हाँ जी कैसा फील हो रहा है मजा आएगा भैया के पास से हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं भैया आप क्या
क्या नाम है और क्या कौन से एड्रेस बता दो। मेरा नाम अभी ठाकुर है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 0011 है। ओके, और ये मेरा के बीच में जगह पड़ती है डोभी। ओके, और मेरा जो कंपनी का नाम है स्काई स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग है। अच्छा, आप आओ विजिट करें, बहुत अच्छा फ्लाई होता है यहाँ पे, यहाँ 15 से 20 मिनट का फ्लाई होता है। अच्छा, और आपको बहुत ही आधे घंटे में टेक ऑफ पहुंचोगे, 10 से 12 मिनट में आप टाइमिंग आप हमें रहेगा। ठीक है, जो टाइमिंग लैंडिंग पॉइंट है रिवर साइड आप लैंड करोगे और बहुत अच्छा व्यू है। ओके, आप विजिट करिए जरूर जरूर, आप गाइस जरूर आए। एंड भैया का रिश्ता बहुत अच्छा है, भैया ने हमारे को प्राइस भी अच्छे दिए और आप आएंगे तो भैया डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, तो आप आइए विजिट कीजिए। तो अब ये करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो गाइस आपको भी पैराग्लाइडिंग करनी हो तो एक बार यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर लेना, ये मैं भैया का नंबर दे रहा हूँ। तो गाइस हमारा नंबर बस आने वाला है, यहीं पे खड़े हैं ये भाई पहले अभी, उसके बाद हम जाएंगे। और गाइस बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, वहाँ पे आप देखोगे स्नो भी हो रखी है वहाँ पे, और डिस्टेंस नीचे बहुत ज़्यादा है। ये लोग भी जा रहे हैं गाइस, पहले जब नीचे था तो लग रहा था कर लूँगा, और ऊपर आया तो डर लग रहा है अब थोड़ा बट देखते हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। तो गाइस आ चुका है हमारा नंबर, ये भैया हमारे साथ जा रहे हैं। रेडी हो? हाँ जी, चलो 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 चलो। हम उतर चुके हैं अब यहाँ से। सो गाइस अब हम आ गए थे लैंडिंग पॉइंट पे, जो बड़ा वाला लैंडिंग पॉइंट है, मतलब हम नीचे नहीं गए, वो थोड़ा रोड खराब था तो हम यहीं रुक गए। अब देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये 15 से 17 मिनट्स की है, प्रॉपर पैराग्लाइडिंग करवाएंगे आपको 15 टू 17 मिनट्स। बाकी एयर फ्लो का हिसाब किताब, ये एयर प्रेशर, मतलब अगर एयर फ्लो ज़्यादा हो रहा है, हवा बहुत तेज़ है, विंड्स, मतलब उसी हिसाब से सारा कुछ रहता है। ये देखो दिख रहा होगा आपको, मैंने तो पहले करी हुई थी तो मैंने नहीं करी, नेहा ने भी करी हुई है, नहीं नेहा ने नहीं करी, तो मैंने तो बोला था कर ले तो, बट उसने खुद मना कर दिया। अब कोई नहीं, हम करते हैं, इसको बोला हिमानी को कर दे, बना कर रही है, कह रही मैंने करी हुई है, बीर बिलिंग से करी है इसने, तो अब इसका मन ही नहीं है करने का, कर ले अभी भी टाइम है। ना, ये बहुत छोटी है, छोटी है, इसको तो हवा में उड़ना है, पापा की परी जो है। बाकी अब देखते हैं, हम ना चलते हैं यहाँ से, युगम का वेट करते हैं, देन हम जाएंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारे और फिर दिखाता हूँ आपको आगे क्या। यहाँ पे हम उतर चुके हैं, बालों की बैंड बढ़ चुकी है हेलमेट लगा के, बट मज़ा आया गाइस, वर्थ इट था। ऊपर पहले हमें जीप में लेके गए, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, पूरी ऑफ राइडिंग करके गए हम, पूरे एडवेंचर करा के गए हैं, बट बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। तो हम वहाँ कहीं ऊपर से आए हैं, यहाँ पे सब लोग अभी लैंड हो रहे हैं, अभी ढूंढते हैं हमारे घर के लोग कहाँ हैं, देखते हैं अभी, चलो गाइस देखते हैं अभी ढूंढ रहा हमने। सो गाइस युगम वापसी आ गया, अभी सब पूछते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ जी, क्या हुआ, मजा आया? मजा आया, ठीक था यार। क्या फील हुआ? कुछ नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बोरिंग हो गया था। अच्छा, ज्यादा ऊंचा तो था, बट पहले मैंने ऊपर गया, देखा कि बहुत ऊपर है तो थोड़ा सा डर लगा। अच्छा, बट जैसे ही चलना शुरू हुआ कुछ फील नहीं हुआ, फिर उसने थोड़ा बहुत घुमाया तो झूले वाली फीलिंग आई। अच्छा, वरना सब ठीक था। अलग मजा था ऑफ राइडिंग में। अच्छा जी, ऑफ रोड में घूम रहे थे, खतरों के खिलाड़ी बना दिया उसने तो भाई, पूरा सही है, सही है, सही है। चलो गाइस जा रहे मणिकरण साहिब गुरुद्वारे और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं फिर क्या है क्या। चलो आगे,
सो गाइस हमारा ना अभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अरे भैया आराम से, हमारा भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है कसोल जाने का और मणिकरण साहब जाने का, क्योंकि रात को ना बहुत लेट हो जाएगी। तो अभी हम यही मनाली को ही लोकल एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड ये देखो हॉट एयर बैलून, अभी इसके बारे में पता करते हैं, देन देखते हैं क्या है, फिर आपको दिखाते हैं इसका, इसके क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको पता करके बता के देखते हैं हम एक्टिविटी ये करेंगे। एंड भूख भी लग रही है, कुछ खाएंगे और आपको अभी आगे चल के और दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये हॉट एयर बलून के पीछे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड देखते हैं हम इसको हम करते हैं नहीं करते, इसका एक्सपीरियंस लेते हैं नहीं लेते। फिर एक बात बताओ यार, ये लोग ऐसे बैठते हैं, एक काम करो ना, 100 गुब्बारे फुला लो, उसमें लटक जाओ यार, हीलियम वाले ऐसे उड़ जाएंगे, कमर पे बांध लो। नीचे कैसे आओगे फिर? एक एक फोड़ते फोड़ते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फाइनली अभी हम आए, रुक गए थे इधर ही बैलून वाली जगह पे जो है, तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है बेला रिवर बैंक, अभी यहीं पे रुक के कुछ खाएंगे। अभी ऑर्डर कर दिया है, मैगी ऑर्डर करी है, चाउमीन ऑर्डर करा है एंड फ्रेंच फ्राइज। देखते हैं एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या होता है और यहाँ का टेस्ट भी बताते हैं अच्छा था क्या था क्या नहीं था। और बाकी अगर देखा जाए तो ये देख रहे हो आप, जैसे ये पूरा का पूरा हाईवे है, ये डायरेक्ट यहाँ से मनाली 19 किलोमीटर है, ये स्ट्रेट रास्ता जाता है मनाली की तरफ, 19 किलोमीटर बाद आप मनाली पहुँच जाएंगे। अभी बाकी हम खा ले, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं, चलो। सो गाइस आप देख सकते हैं वो जो हॉट एयर बैलून है उसमें वो अपना उसकी जो एयर है वो फिल कर रहे हैं ताकि वो ढंग से स्टेबल हो जाए। और आप वो देखो सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे कि वो स्टेबल हो जाए, अभी ये स्टेबल नहीं हो रहा है, इन्होंने अभी मेरे ख्याल से अभी ही सर करा है और बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि ये रेडी हो जाए एंड करे। हम भी अभी पूछते हैं इसके क्या चार्जेस है, अगर होगा तो करेंगे वरना कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बाकी अब खाना खाएं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब आ जाएगा फिर दिखाएंगे भी आपको। फ्रेंड्स अभी हम रिवर साइड पे आए थे, हम सोच रहे थे यहाँ पे रिवर साइड होगी, यहाँ पे ना कुछ बैठ के हम आराम से स्नैक्स कर ले सकते हैं, बट अगर अभी हम देखें ना तो ये रिवर तो है ही नहीं, ये रिवर तो पूरी सूख चुकी है, मे बी हो सकता है ना अभी सारा बहुत ज़्यादा स्नो है तो मे बी अभी हो सकता है कि रिवर अभी फ्रीज हो गई है, दैट्स व्हाई ये नीचे तक आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। बट हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि उस साइड भी एक रिवर है और आवाज़ भी आ रही है ना, रिवर की आवाज़ आ रही है ना कुछ, मेरे को रिवर की तो नहीं, मुझे गाड़ियों की आवाज़ नहीं, रिवर की भी आ रही है, ऐसे लग रहा है पानी चल रहा है, बट पता नहीं। बट ये जो अगर रिवर है तो यहाँ पे तो कोई इन्जॉय नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कि हम इन्जॉय कर सकते हैं, हम बैठे थे कि उधर ही बैठ के खाएंगे, यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं है, अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये रिवर लगी है, किसी एंगल से रिवर लगी नहीं रही है अब तो, ये तब जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तब पानी आ गया, आई गेस तब चलेगी, ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए, ये रिवर कहाँ से दिख रही है, कहीं है किसी एंगल से नहीं पता चल रहा, ये दिल्ली का नाला दिख रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मे भी हो सकता है रिवर है भी नहीं, पता है हम भी कंफ्यूज है क्योंकि हमने यहाँ से पूछा था इनसे तो ये कह रहे हैं रिवर नहीं है, रिवर उस साइड क्रॉस करके, उस साइड तो ऑब्वियसली आप देखो कोई जंगल है वहाँ पे, हम कैसे जा सकते हैं। ये इसलिए तो लगा रखे हैं ये। हाँ बट ये एक्टिविटीज भी तो कुछ करवा रहे हैं ना, निंजा थोड़ी बनो, डिंग 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 डिंग। हाँ बट ये कुछ एक्टिविटीज करवा रहे थे ना, बोल रहे थे इस बोल रहे थे रिवर क्रॉसिंग है, ये कौन सी रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं, कौन सी रिवर जा रही है जो उसको क्रॉस करेंगे यार, पैसा बनाने अपना। हाँ बस वही, यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा, चलो अभी वहीं पे स्नैक्स खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या पता आगे कुछ मिल जाए, है ना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ पहले ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कर दिया हमने, अच्छा कर दिया था ना, हाँ कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। और इनकी तो फोटो कभी खत्म नहीं होती भाई। ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है। पापा की परी आ गई है, पापा की परी चढ़ी उड़ने। मैं क्या बोल रहा हूँ पापा की परी? Let you record or not? उन्हें फिर कंटेंट तू मैं तूने बोला पापा की परी रिकॉर्ड नहीं है, देखो फिर जा रही है, तूने बोला ही कहा पापा की परी हूँ मैं, मैं तो मैं क्यों बोलूंगी, तो तू ही तो कहती ना बोलूंगी। रहने दो, चाय पियो आप। अच्छा तू दोबारा अभी नहीं, ये अभी भी रिकॉर्ड, ये अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, कर रहे हैं कि स्टेबल हो जाए क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है,
एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है स्टेबल होने में, बहुत ज़्यादा ये रुकने के कारण स्टेबल नहीं हो पा रहा। एंड देखते हैं अभी कितनी देर में होता है, फिर इसमें हम भी करेंगे दिन, आपको दिखाएंगे हॉट एयर बलून में जाके कैसे फील होता है। मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े भी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, बट इनका स्टेबल नहीं हो रहा वो। सो गाइस, हमारे को यहाँ पे बहुत देर हो गई थी एंड वी हैव डिसाइडेड कि अब हम यहाँ पे नहीं करने वाले हॉट एयर बलून, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड ये स्टेबल भी नहीं हुआ। जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें एयर निकल चुकी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।